ये तस्वीरें इस वक्त आप नेशनल हाईवे से देख रहे हैं, जहां पर एक भयंकर सड़क हादसा हो जाता है। बाइक इस वक्त आप देख रहे हैं जिसे गाड़ी टक्कर मार जाती है, और आप देख सकते हैं कि आगे का हैंडल किस तरीके से टूटा हुआ है, मतलब कितनी जबरदस्त ये टक्कर रही होगी कि हैंडल पूरा टूटा हुआ है। ये साइड से आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। बस्ताड़ा टोल प्लाजा के नजदीक ये हादसा होता है। ये बाइक को आप देख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यूपी नंबर है ये, और बताया ये जा रहा है कि वो शायद पानीपत जा रहे होते हैं, उनकी कोर्ट में पेशी होती है, और यहाँ पर गाड़ी आती है और गाड़ी से जोरदार टक्कर होती है, उसके बाद यह हादसा हो जाता है। इनकी दुकान है यहाँ पर चाय की, इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने चश्मदीद है, इन्होंने देखा था आपने हादसा होते हुए, कैसे हुआ? हाँ जी, हम तो चाय बना रहे थे, उधर से इधर से कार गई, अच्छा, इधर से मोटरसाइकिल आ रहा था, वो पानीपत की तारीख थी। अच्छा, पानीपत की तारीख। हाँ, तो कुछ भी दारू दूर केस हो, हमने मेरा नहीं पता। जोरदार टक्कर हुई थी काफी, और उसका पैर गया। अच्छा। हड्डी निकल गई, पैर अकेला था बाइक पर, कल ही था। अच्छा। और गाड़ी वाले रुके थे? गाड़ी वाले का वहाँ फिर आपने नंबर ले लिया, इसका आपने फिर वो मधुबन थाने वहाँ पकड़ लिए पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, नहीं फिर बाद में वो कार्रवाई करके पकड़ लिए, वहाँ थाने में अंदर आए, तो उसे लड़के को भिजवा दिया। लड़का तो फिर आप उल्लास आई करोंडे से, उठा कर लेगी उसको, हालत ज्यादा खराब थी। हाँ, तो ज्यादा नहीं जाता था, चाय भी पिया मैंने। तकरीबन कितनी उम्र होगी उसकी? मेरे ख्याल में 25-30 लड़के। अच्छा, मतलब यंग था। हाँ, तो काफी स्पीड में आ रही थी गाड़ी? हाँ, पूरे यही और रुके नहीं है, तो यहाँ में तो चाय बना रहा था। अच्छा। मैं लोग गा खड़े थे, ड्राइवर बैठे थे, तो चाय भी छोड़ दे बना। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी का नहीं, रुकी नहीं ना, रुकी कौन है जी, रुकी नहीं, अपना मेरा नहीं है, हमने तो बस ये सर उठाया कि मारे बच्चा और पल्ले बाद में ये टूर बचा गए। अच्छा, कुटेल गांव से। अच्छा, ये कुटेल गांव से जाते हैं 5 किलोमीटर, फिर आगे बात जाते हैं। तो पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया था? हाँ, मधुबन थाने लगा पकड़े गए रोज तक क्या। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो चश्मदीद है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गाड़ी जो है काफी स्पीड में होती है और वो रुकती नहीं है, यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस आती है पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज अक्सर आप लोगों से अपील करता आया है कि जब भी आप लोग सड़क पर चल रहे थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा सावधानी से चले, क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है जो चश्मदीद है कि इतनी स्पीड में गाड़ी थी, आप उसका देख सकते हैं कि जो हैंडल है किस तरीके से टूटा हुआ। हालांकि हेलमेट है, ये भी जरूर कहा जाता है कि हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि हेलमेट से बचाव हो जाता है। नंबर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, बाइक नंबर जो है UP12U2878, ये यूपी नंबर बाइक है, और पानीपत में जो है कोर्ट में पेशी होती है, वहां पर जा रहे होते हैं। इतनी जोरदार टक्कर, आपका हैंडल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आगे से डैमेज हो गया है, साइड से कितनी डैमेज हो गई, मतलब हेलमेट उसने पहना होता, सिर का जरूर बचाव हो गया है, लेकिन टांग का जरूर जो इन्होंने देखा है, जिनकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चाय की दुकान है, उन्होंने देखा होगा। और उसके बाद और जी सुल्तान ये अपना नाम बता रहे हैं, किस तरीके से हादसा होता है, इस तरीके से हादसा होता है, बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ये नज़दीक हादसा होता है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच जाती है, डायल 112 की टीम पहुंचती है, क्योंकि इन्फॉर्म कर दिया जाता है एम्बुलेंस के जरिए, उस लड़के को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़ोरदार टक्कर, आपने बाइक को खुद ही देख लिया कि बाइक किस तरीके से जो है डैमेज हुई है, तो उस लड़के का क्या कुछ हालत होगी। पैर का जरूर कहा जा रहा है, क्योंकि पैर की हालत जो है थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, उसे हॉस्पिटल में। ये शूज़ दिखाए जा रहे हैं, ये शूज़ उसी लड़के के हैं, ये आप देख पा रहे हैं शूज़ जो है उसी लड़के के बताए, ये बाइक का ही टूटा हुआ है सब, ये आप देख पा रहे हैं शूज़ जो है किस तरीके से पूरा डैम, ये देखिए शूज़ कैसे फटा हुआ है पूरा, ये शूज़ पूरा तरीके से फटा हुआ है, मतलब कितनी ज़ोरदार ये टक्कर जो है रही होगी, उसका जूता जो है पूरा फट जाता है, उसकी हालत क्या कुछ होगी, हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पैर पे ज़्यादा लगी है, उसे हॉस्पिटल जो है भिजवा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, और जो कार चालक होता है उन्हें भी पकड़ लिया गया, आगे की बाकी जो पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे आप लोग, साथ में हाईवे आप देख पा रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं हादसे दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और शायद वो एक गलती होती है आपकी, एक छोटी सी लापरवाही और एक जल्दी जाने की, जो जल्दी होती है ना वो किसी की जान ले सकती है। तो आप लोगों से यही अपील करूँगी कि जितना हो सके थोड़ा सा सावधानी से सड़क पर चले, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती किसी और की जान ले सकती है, किसी का परिवार खत्म कर सकती है, या आपकी भी जान ले सकती है। यहाँ पर हालांकि जिस तरीके से वो फरार हो जाते हैं, उन्हें पकड़ जरूर लिया जाता है, पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है, लड़के की हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। यूपी नंबर ये बाइक आप लोग देख पा रहे हैं, पानीपत वो जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही जी तारीख पे जा रहा होता है, तो पैर
पैर पे लगी है क्या चोट ज्यादा? अरे वेट, उसकी हड्डी बाहर निकल रही है। बाकी वे हेलमेट पहना हुआ था उसने? हेलमेट भी तो हेलमेट कहाँ पड़ा, फिर हमने उठाया वो। हालांकि सिर वगैरह पे चोट तो नहीं आई? सिर तो बचा, सिर बचा, सिर बचा हो गया। पैर पे, गोड्डे पे, दोनों पैरों पे चोट थी? नहीं, इस पे एक पैर पर, एक पैर वाला पैर, हाँ हाथ में भी है कुछ। तो पैर पर ज्यादा चोट लगी है, हालांकि हेलमेट से बचाव जरूर हो गया कि सिर पर चोट नहीं आई है। तो आप लोगों से यही अपील, जब भी ड्राइव करें तो मोबाइल फोन का यूज मत कीजिए, हेलमेट चलाकर चलिए, अगर हेलमेट डालकर चलिए जब भी, अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं। और थोड़ा सा सावधानी से, जल्दी की में ये ना हो जाए कि आपकी या किसी और की जान चली जाए, सावधानी से चलिए। अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखिए और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान जरूर रखें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।